अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते। आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर इमाम एंड माल्टा टीवी में। मैं रहता हूँ माल्टा में और माल्टा के कुछ डॉक्यूमेंट के लिए, कुछ जॉब के लिए, मतलब जो भी जैसा सिस्टम है उसके लिए मैं बतलाता हूँ। आज फिर एक नया वीडियो लेके आया हूँ और कुछ थोड़ा इसमें डॉक्यूमेंट के लिए भी होगा, कुछ न्यू अपडेट न्यू अपडेट न्यू अपडेट के बारे में भी होगा। तो क्या कुछ है नया न्यू अपडेट आज मैं बतलाऊँगा। आजकल की थोड़ा मार्केट कैसा चल रहा है वो भी बतलाऊंगा माल्टा के लिए। और बस इस वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूंगा। मुझे हंसी आती है यार बहुत सारे। मैं भी यूट्यूब में थोड़ा वीडियो देखता रहता हूँ तो उसको भी मैं देखता हूँ यार। एक होता है ना यार, न्यू अपडेट, ये हो गया माल्टा में, वो हो गया माल्टा में, आज ये हो गया, आज माल्टा में उधर पहाड़ गिर गया, आज माल्टा के ये रिफ्यूज। मैं तो सोचता हूँ पहले कि साला इतना न्यूज आता किधर से यार, टॉपिक बनाते कैसे यार। हम लोगों को तो टॉपिक बनाना आता ही नहीं यार, जिसमें मैं खुद माल्टा में रहता हूँ, ये मेरी कंपनी है डीलक्स, सामने लिखा हुआ है यार। कोई भी ऐसा इंसान बतला दो कि मतलब इस अपनी कंपनी में रह के और सामने उसका कंपनी का लोगो लगा हो और ऐसा कोई वीडियो बना रहा होगा, नहीं कभी भी। तो आप लोग देखो यार, वो कभी भी अपनी कंपनी के बारे में नहीं शो करेगा, ना अपनी कंपनी के बारे में बतलाएगा मैं कौन सी कंपनी में काम करता हूँ। एक मैं पहला एक ऐसा इंसान हूँ जो मैं अपनी कंपनी में काम करता हूँ और डायरेक्ट शो करता हूँ, ये है मेरी डीलक्स और इस डीलक्स में मैं काम करता हूँ और मेरी वीडियो सब देखते हैं। ऐसा नहीं कि मेरी कंपनी भी नहीं देखता है, देखते हैं, बट मैं इंग्लिश में कम बात क्यों करता हूँ इस वजह से और बहुत ना के बराबर कि मतलब हमारी कंपनी देखते हैं तो जाहिर सी बात है कि मैं क्या बात कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ उन्हें कैसे मालूम चलेगा, ठीक है ना। हैरानी इस बात की होती है कि इतना न्यूज निकल के आता किधर है माल्टा से यार। ये न्यूज हो गया, ये न्यू अपडेट हो गया, भाई वो हो गया माल्टा में, आज माल्टा ने उसको बैंड कर दिया, वो माल्टा ने उसको ये कर दिया। भाई मेरे कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा यार, सब अफवाहें फैल रही हैं और कुछ भी नहीं है माल्टा के अंदर में। जैसे मैं पे लास्ट में भी बोला था यार, जो हो रहा है वही हो रहा है। आइडेंटी माल्टा में कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है, उस वजह से डिले चल रहा है, इसी वजह से फाइलें सब डिले चल रही हैं, ठीक है। रिजेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट क्या, रिजेक्शन। अब मुझे एक बात बतलाओ, मैं इस वीडियो में पूछता हूं, आप लोगों से पूछता हूं, मेरी वीडियो पीछे जाके देखो, आप लोग पिछली वीडियो चेक करो, पहले मेरे ऊपर कितनी उंगलियां उठाई गई थी, धमकी भी आ रहे थे, होटल बुकिंग पर वीजा नहीं लगेगा, होटल बुकिंग पर वीजा लगा था, बोले प्रूफ एंड डिक्लेरेशन लगाओ, प्रूफ एंड डिक्लेरेशन कभी हटा के बोलते भाई हाउस अथॉरिटी वाला पेपर लगाओ, कॉन्ट्रैक्ट लगाओ, कंफर्म लगाओ। अरे मेरे मेरे भाइयों, ऐसा कोई बात नहीं है, वीजा एम्बेसी को देना होगा तो कोई भी हालत में देगी, जिसको नहीं देना होगा नहीं देगी, चाहे वो होटल बुकिंग हो, प्रूफ एंड डिक्लेरेशन हो, चाहे एंड डिक्लेरेशन पेपर हो, कॉन्ट्रैक्ट हो, चाहे जो भी हो, यहाँ पर वो आपसे क्या मांगते हैं, आपसे सिर्फ वो इतना ही मांगते हैं कि कन्फर्म एक जगह चाहिए कि आप माल्टा में लैंड होने के बाद आप कहाँ रुकोगे। ऐसा तो नहीं कि रोड पर जाकर सो जाओगे, तो उन्हें बस एक शो करना है, चाहे वो होटल बुकिंग हो, चाहे प्रूफ एंड डिक्लेरेशन हो, और चाहे आपका कंफर्म लैंडलॉर्ड पेपर हो, चाहे कॉन्ट्रैक्ट हो, इतना सा बात है, सिंपल। 10 भाषा में सिखाने का जरूरत ही नहीं है, न्यू अपडेट। भाई मैं माल्टा में रह के मुझे तो ऐसी कोई न्यूज नहीं मिलती यार, मैं तो बड़ा हैरान हूँ सुन सुन के, मुझे तो ऐसा कोई भी न्यूज नहीं मिलता है। पता नहीं लोगों को कैसे न्यूज मिल जाता है, या तो टॉपिक बना रहे हैं, चाहे कुछ भी हो, आदमी को डरा रहे हैं, ओए भाई इमाम भाई फलाना हो गया माल्टा में, माल्टा ऐसा कर रहा है, माल्टा ऐसा कर रहा है। भाई मेरे ऐसा कोई भी बात नहीं है, अपना अपना काम करो, ठंडे दिमाग से काम करो। डॉक्यूमेंट ऑलरेडी बतला रखा हुआ है फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो कम से कम गूगल पर जाके माल्टा का चेकलिस्ट है वो पढ़ लो। अरे यार वो सब बीजा लगाने वाला चेकलिस्ट है, ऐसा तो नहीं है वो उन्होंने ऐसे थोड़ा मेंशन थोड़ी कर दिया हुआ है। रहेगी बात वो बार बार आप लोग जो मैसेज कर रहे हो मुझे कि इमाम भाई फाइलें लेट हो गए, इमाम भाई मेरा 65 दिन हो गया, इमाम भाई मेरा 60 दिन हो गया। भाई मेरे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है आइडेंटी माल्टा के अंदर, आज भी मेरा शेष कुमार जो है कॉन्क्रीट मेसन आया है, आज उसको ब्लू पेपर रिसीव हुआ है। सोचो 1.5 महीने बाद उसको ब्लू पेपर रिसीव हुआ, क्यों रिसीव हुआ, हाउस अथॉरिटी वाला पेपर जो था वो मेल गलत हो गया था, उसको मेल नहीं मिला इस वजह से लेट हुआ। मेरा ब्लू पेपर मिले हुए कितना दिन हो गया, मैं आइडेंटी माल्टा गया था, अभी तक मेरी आईडी नहीं आई, जो मैं माल्टा के अंदर हूं मेरी आईडी नहीं आई। तो आप लोग तो बाहर बैठे हुए आउट ऑफ कंट्री से अप्लाई कर रहे हैं यार, अपने अपने मुल्क से आप लोग अप्लाई कर रहे हो तो फाइलें जाहिर सी बात है लेट होगी, क्यों घबरा रहे हो इतना, घबराओ नहीं यार। देखो आप लोग घबरा जाते हो ना, और इसी का आदमी लोग क्या फायदा उठा रहा है, इसी का फायदा उठाता है जो फिर आप लोग का नुकसान हो जाता है। तो घबराओ नहीं यार, तसल्ली रखो,
दिल को तसल्ली, जब यूरोप के लिए आप कोई भी कंट्री में अप्लाई करो तो कम से कम पहले अपने दिल को ठंडा रखो, मन को शांति रखो, दिमाग एकदम रिलैक्स रखो। 10 वीडियो देखोगे, 10 तरह की बातें होंगी, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। किसी की मत सुनो, सुनो अपने दिल की और अपने मन की सुनो मेरे भाई, सुनो अपने दिल की और अपने मन की सुनो। बार बार बोलता हूँ, कितनी बार, फिर वही वापसी रिप्लाई, वही रिप्लाई। तो यही चीज मैंने बतलाना था आखिर कि यार ये न्यू अपडेट किधर किधर से आता है, किधर निकल के आता है, मैं तो खुद हैरान हूँ, मेरा दिमाग चक्कर खाता है यार इतना न्यूज आता किधर से। मैं खुद माल्टा में हूँ और माल्टे में काम करता हूँ, आप लोग देखो तो देखो, अभी मैं कलकारा पर हूँ, मैं कलकारा में काम कर रहा हूँ, ये अभी नया अपार्टमेंट है, मैं नए अपार्टमेंट में आया हूँ काम करने के लिए। अभी इधर मैं मार्बल लगा रहा हूँ, बाउंड्री का जो मार्बल है, और ये हमारे बनोई साहब है, देखो ये भी हमारे साथ काम कर रहे हैं, ये बाउंड्री वाल है, ये देखो आपको दिख रहा हूँ, इस बाउंड्री वाल का मैं सीधा मार्बल लगा रहा हूँ, अभी सबका ये सब मार्बल लगा रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ भाई, मैं खुद माल्टा में हूँ। और ऐसा वैसा नहीं, हम लोग देखो, ये हमारा पावर बैंक, ये हमारा JBL का स्पीकर, ये दूसरा मोबाइल आपके सामने, हम सॉन्ग लगाते हैं फुल साउंड में, सॉन्ग लगा के मनोरंजन की तरह काम करते हैं, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। बट एक चीज इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट मतलब क्या कि आपने काम जो करना है वो ईमानदारी से, चाहे आप कुछ भी करो, कुछ भी करो, कुछ भी करो, मतलब अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए, बेईमानी नहीं करो कहीं भी। अगर देखो बेईमानी करोगे, कोई भी आपको लाइक नहीं करेगा, कोई भी लाइक नहीं करेगा, कोई भी लाइक नहीं करेगा। जैसे कि देखो मैंने एक फ्लोर आज पूरा मैंने मार्बल लगाया, मैं आपको दिखा रहा हूँ, रियलिटी जो है यही है। ये देखो यहाँ से शुरू किया, ये देखो वहाँ तक ख़त्म किया पूरा, ठीक है। उसके बाद दिखाता मैं, और ये एक देखो विंडो का मार्बल इधर है, ये आपको दिख रहा होगा सेम वैसे, उस पार एक और है। ऐसा नहीं है यार, यहाँ पर आदमी काम करता है, ऐसे थोड़ी फुद्दू मार रहा है यहाँ पर है। कोई नया अपडेट है, कोई नया अपडेट क्या है, कुछ भी नहीं। ये देखो आप लोगों के सामने देखो, ये मार्बल लगाया, ये देखो इधर से लेके ये पूरा खत्म किया। देखो ये आज करके फिर नीचे जाके हम मार्बल फिर ऊपर चढ़ा रहे हैं, चढ़ाने के बाद कि कल सुबह का चाल बना रहे हैं। साइड पर कोई भी नहीं है, इतना बड़ा साइड है, सिर्फ मैं हूँ और मेरा बहनोई है, हम दो ही आदमी काम कर रहे हैं साइड पर। सुबह से एक बार कंपनी देखने भी नहीं आती है, क्यों नहीं आती है, क्योंकि विश्वास है, क्योंकि मैं कभी चीटिंग करता नहीं हूँ किसी के साथ, और मुझे चीटिंग पसंद भी नहीं है भाई। हाँ अगर आदमी मेरे साथ सीधा है तब, अगर वो थोड़ा टेढ़ा हुआ ना तो मैं पूरा ही टेढ़ा हो जाता हूँ एकदम पूरा, फिर मेरी बीपी हाई हो जाती है, फिर सामने वाले को मैं देखता भी नहीं हूँ कौन है, कोई भी हो, चाहे वो मेरा बॉस है, बाकी चले चाहे जैसा भी है, ये न्यू अपडेट ये है वगैरह है वगैरह, फलाना ढिकाना पर विश्वास मत करें, अपनी सुने, अपने दिल की सुने, अपने मन की सुने, सीधा सिंपल बात है। आजकल फ्रॉड बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, और एक रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा कि चंडीगढ़ की तरफ आप बिल्कुल ना जाएं, उधर से फ्रॉड बहुत ज़्यादा हुआ। एक भाई का हमारा 90,000 रुपये का फ्रॉड हुआ है, 90,000 का उसको वर्क परमिट डुप्लीकेट दिया हुआ है, फेक दिया हुआ है। सिर्फ मैं उनसे एक परमिशन मांग रहा हूँ, वो मुझे परमिशन दे दे, मैं अपने यूट्यूब पर कॉमेडी गार्लैंड में डालूंगा, आप देखिएगा वर्क परमिट कैसा है और उनके कितना हज़ार का फ्रॉड हुआ है, और लाइव बात करके भी वीडियो अपलोड करूँगा। माल्टा के नाम पर इतना फ्रॉड हो रहा है, एक बार किसी से काम कराने के लिए आप एक बार सोचें, चाहे मैं हूँ मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मेरे से भी अगर आप लोग काम करा रहे हैं, अगर मेरे पास कोई वैकेंसी आती है, मैं बोलता हूँ कि मेरे पास कोई वैकेंसी है तो, बट एक बार सोचें कि वह भाई सामने वाला आदमी है कैसा। कितनी बार समझाता हूँ यार, इतना तो कोई टीचर भी नहीं समझाता है, एक बार आदमी को समझा दे तो आदमी को समझ में आ जाता है, पर आप लोगों को भाई पता नहीं क्यों नहीं समझ में आता है, मुझे कुछ नहीं पता लगता है। बाकी चलें जैसा भी हो, और इसलिए बता रहे कि माल्टा में कोई ऐसा न्यू अपडेट आएगा तो ज़रूर बतलाऊंगा, ये न्यू अपडेट ऐसा अपडेट वैसा अपडेट, ये आ गया वो आ गया, बस फलाना ढिकाना फेक है और कुछ भी नहीं है भाई, फेक है, एक बार क्या 1,000 रुपये बोलो, फेक है, ठीक है। बाकी आप लोगों को जैसा दिल करना है वैसा करें, ठीक है। अब वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें जरूर, ना अच्छा लगे तो कोई बात नहीं, आप लोग की मर्जी है, आप लोग की खुशी की बात है, मैं ज़बरदस्ती नहीं बोलूँगा, उंगली पकड़ के ये नहीं चिपकाऊंगा कि भाई लाइक कर दो, नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, जो रियल है वो है। बाकी चलें दुआओं में याद रखें, आपका भाई इमाम हुसैन, अल्लाह हाफिज़, यहीं अलविदा लेता हूँ, बाय।